पूर्णिया प्रमंडल के फलका थाना क्षेत्र के एक गांव में एक कलियुगी मामा ने मामा और भांजी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। कलियुगी मामा ने मामा और भांजी के रिश्ते को इस तरह से कलंकित किया है कि लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। 20 वर्षीय युवती ने फलका थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। युवती ने बताया कि उनकी माँ का कुछ वर्ष पूर्व ही निधन हो गया है और अपने छोटे छोटे भाइयों बहनों के साथ वो अपने घर पर ही रहती है। एक दिन उसके मामा शौकत आलम उसके घर आ धमका और उसे सोई हुई देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसी रात से लगातार रात में उसके साथ गलत उसके मामा के द्वारा किया जाते रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसका आरोप था कि मामा शौकत ने धमकी दिया था कि अगर किसी को बोलोगी तो सभी भाई बहन को जान से मार दिया जाएगा। और जब वो 8 माह की गर्भवती हो गई तो ये बातें समाज में सरेआम फैल गई। तब लोगों ने जब सवाल खड़ा किया तब उन्होंने ये बातें समाज को बताई, जिसके बाद समाज के लोगों ने युवती को थाना तक पहुंचाया। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। जबरदस्ती मामा जमरान की एना उना कर ले छे, फिर बहन के भगनी के तो ऐसा कहना करे छे, फिर केने हुए छे कि एना केने हो हमरा मरे लो ठीक ले। तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया? हाँ। कौन तुम्हारा मामू? हाँ। क्या नाम है मामू का? शौकत। कहाँ का है वो रहने वाला? नहीं, तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ। कितने महीने का गर्भवती है तुम? पूरा मामला तो वही है कि मऊ भेगने वाला रिश्ता था, वैसे से उसके साथ बलात्कारी हुआ था, उसके बाद हमल हो गया था। अभी तो अभी तक 9 महीने का हमल है। पैसा हमने देगा केस से फैला लेंगे। मामू क्या नाम है? शौकत। वही बोला कि हम पैसा नहीं देंगे। तो उसके बाद जहाँ तब लड़की जब इंतजार देखने के बाद कहीं कुछ नहीं देख रहा है तो ये गया थाना। तो आवेदन देने के बाद छोटा बाबू शायद आया था यहाँ। तो क्या होना चाहिए इसमें? इसको कोई कानूनी मतलब कार्रवाई होना चाहिए इसका। है कि लड़की जो है थाना में आवेदन दे दिया है, तो आवेदन की कॉपी भी आपको कहेगा तो मैं दे दूंगा। यह आवेदन की कॉपी है, लड़की का ही आवेदन की कॉपी है, ठीक है? हमारे थाना स्तर से किसी ने गड़बड़ी किया है, जो परसों दिया था, जो केस नहीं दर्ज हुआ, इसके आधार पर हम उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और आज प्राथमिकी इसका दर्ज की जा रही है। बाकी हम कर